आज हम पढ़ेंगे लाइंस और एंगल्स के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको एंगल निकालने को बोला जाएगा, वो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना। दूसरा, मेरी पिछली वीडियोस हैं जिसमें मैंने बेसिक लाइंस और एंगल्स के बारे में बताया कि कितने तरह के एंगल्स होते हैं और कितनी तरह की लाइंस होती हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ लाइन। वो एक बार देख लेना जिससे आपका बेस जो है वो अच्छे से आपको बना हुआ हो और उसके बाद आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाओ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसकी हेल्प से आप कोई भी एंगल को फाइंड कर पाओगे। जैसे सबसे पहला होता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, ध्यान रखना, लीनियर वर्ड बना लाइन से, LINE, लाइन। लाइन का मतलब है, इससे याद रखने का तरीका है, एक लाइन है उसके ऊपर कोई भी एक और लाइन बनी हो, रे बनी हो, इसमें जो दो एंगल बन रहे हैं, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। हमेशा एक लाइन के ऊपर कितने भी एंगल बने हों, 2-3 कितने भी एंगल, उन सबका सम जो है 180 डिग्री होगा। ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी कहती है। अगर यहाँ पे एक और रे होती तो इन तीनों का 1, 2 एंड 3 तीनों एंगल्स का सम 180 होता, ठीक है। तो लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर का मतलब क्या है कि मान लो इसको नाम देते हैं OABC, तो एंगल AOB प्लस AOB, यानी मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ, ये वाला एंगल, ठीक है। फिर COB, एंगल COB, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो 180 डिग्री होगा। अगर तीनों का नाम लिखूँ तो भी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। बस ये जो लाइन है जिसके ऊपर ये बेस है, जो बेस लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी स्ट्रेट मतलब 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखो, अगली प्रॉपर्टी है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आप अगर कहीं पे भी ऐसी दो लाइंस देखते हो जो एक दूसरे को कट करती हुई जा रही हैं, तो याद रखना ये जो एंगल है, ये वाला एंगल जो दो लाइंस कट करने के बाद बना रही हैं, उसका जो अपोजिट एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल, ये और ये अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। हमेशा याद रखना, अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। ऐसे ही ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। इसको ऐसे समझो, मान लो दो लाइंस हैं, ये दो पेन हैं, मान लो ये दो लाइंस हैं, इनको अगर मैं इतना खोलूं, जैसे ऐसे कर रही हूँ, तो देखो यहाँ से अगर कम हुआ है तो ये पार्ट भी कम हुआ है, तो ये एंगल, अगर ये दो लाइन से जो एंगल बन रहा है, अगर मैं इसको कम कर रही हूँ तो इधर वाले को भी इफेक्ट पड़ रहा है, और सेम इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया तो देखो ये एंगल वाइड हो गया, तो ये वाला भी वाइड होगा। तो इसका मतलब क्या है कि दो लाइंस अगर आपस में एक दूसरे को कट करेंगी तो इधर वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। थर्ड है आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो मान लो दो पैरेलल लाइंस हैं आपके पास। पैरेलल लाइंस का मतलब है जो लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी टच नहीं करेंगी, इनको कितना भी एक्सटेंड करो दे विल नेवर टच ईच अदर। उसके ऊपर से एक ट्रांसवर्सल जा रही है, ट्रांसवर्सल लाइन मतलब जो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल जा रही है। अब आपके पास बहुत सारे एंगल्स आपको दिख रहे हैं, एक एंगल ये, एक ये, एक ये और एक ये, ऐसे इधर भी बहुत सारे एंगल्स बनाए लाइंस ने, तो इन एंगल में से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे वो देखो। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, जैसे मैं इनको नाम दे देती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पे आप देखो 1, और इसके साथ वाला एंगल छोड़ दो, उसी लाइन में नेक्स्ट इज 5। देखो 1, ये मैं डार्क कर रही हूँ, 1 एंड 5, ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ठीक है। क्योंकि ये दोनों, आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में ये याद रखना कि जो लाइन है वो पैरेलल होनी चाहिए, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगी तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं कहलाए जाएंगे, ठीक है। ऐसे 2 एंड 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 2 के साथ वाला छोड़ दो, उसी लाइन में नेक्स्ट जो अगली पैरेलल लाइन के ऊपर सेम जगह पे एंगल बन रहा है वो कॉरस्पॉन्डिंग। ऐसे 3 एंड 7 कॉरस्पॉन्डिंग है, 4 एंड 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पेयर लिख देती हूँ, 1 एंड 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 4, 4 ये वाला छोड़ दो, ये 8, तो 4 एंड 8 कॉरस्पॉन्डिंग है, 2 एंड 6 एंड 3 एंड 7 इनको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी 1 एंगल 5 के इक्वल है, 4 8 के, 2 6 के, 3 7 के इक्वल होगा। अब फोर्थ है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल देखो क्या होता है,
ऑल्टरनेट एंगल मतलब फिर से दो पैरेलल लाइंस लेते हैं, उसको कट करती हुई एक ट्रांसवर्सल। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, आपको एक ऐसे जिगजैग लाइन ढूंढनी है, जेड ढूंढना है, अपोजिट जेड मतलब उल्टा जेड। ये देखो ये दिख रहा है ऐसे, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ, ये तो इसके बीच में बना हुआ एंगल और इन दोनों लाइन के बीच में बना हुआ एंगल, ये दोनों एंगल को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ऐसे ही सीधा जेड देखो, ये जेड बन रहा है, ये वाला जेड, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी ऑल्टरनेट है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही अब देखो, ये एंगल आपका और ये एंगल आपका, ये वाला, ये बाहर और ये बाहर, ये भी एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं, देखो अपोजिट साइड है, और Z के देखो इसके साथ वाला और इसके साथ वाला, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे, यानी अंदर की साइड है तो इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है, और बाहर की साइड है तो हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट एंगल्स में दो तरह के एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर है, यानी कि ये और ये, ये और ये, दो पेयर्स, और एक्सटीरियर में ये और ये, और ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो यहीं पे मैं आपको नाम लिख के बता देती हूँ, जैसे ये आपको एक फिगर बनाया था हमने, इसमें ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हुए, ध्यान से देखना, मैं उनके नाम लिख रही हूँ, 3 and 5, 3 and 5 इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, 4 and 6, 4 and 6 इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, 2 and 8, ये और ये इंटीरियर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, 1 and 7, 1 और 7 एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो चार पेयर ऑल्टरनेट एंगल्स के हैं, जिसमें दो इंटीरियर दो एक्सटीरियर, और चार पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के थे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, नहीं हुई तो एक बार फिर से पीछे करके वीडियो को दोबारा देखो, अच्छे से समझ लो। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी एंगल निकालना हो, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक छोटी सी चीज़, एक लास्ट पॉइंट छूट गया है, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, देखो ध्यान से, को इंटीरियर एंगल्स, फिर से मैं आपको दो पैरेलल लाइंस बना के और एक ट्रांसवर्सल बना के इसको एक्सप्लेन करूँगी। ध्यान से देखना, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों अंदर हैं, ठीक है, इंटीरियर इनसाइड है, और एक दूसरे के जस्ट एडजेसेंट है, तो इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये ध्यान रखना, ये इक्वल नहीं होते, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो मान लो मैं नाम दे देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 1 and 6 को इंटीरियर एंगल्स हैं, जिनका जो सम है 1 और 6 एंगल का वो 180 डिग्रीज होगा, ठीक है। ऐसे ही 4 and 5, 4 + 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है। अब इन सारी प्रॉपर्टीज़ को, इन सारे रूल्स को एक बार एक क्वेश्चन करके समझ लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो एक क्वेश्चन है, बहुत इजी सी चीज़ में मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए करने में। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, उसके ऊपर से एक ट्रांसवर्सल जा रही है, ये एंगल आपको दिया हुआ है 50 डिग्रीज, और बाकी सारे एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इनका नाम रख रही हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये एंगल्स के मैंने नाम रख दिए, ठीक है। और ये रहे आपके एंगल के सिंबल, ओके। सो अब देखो, आपको निकालना है कि एंगल 2 कितना है, एंगल 3, 4, 5 सारे कितने कितने एंगल्स हैं। एंगल 1 आपको दिया हुआ है 50 डिग्रीज, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, एंगल 1 अगर 50 है ये वाला, तो 3 भी 50 होगा। इसका रीज़न अभी अभी हमने पढ़ा कि ये दोनों क्या होते हैं, ऐसे सीजर बन रही है, क्रॉस कर रही हैं दो लाइंस, तो ये और ये होंगे आपके ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एंगल्स, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब है ये और ये आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, आप रीजन में क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। फिर एंगल 2 और 3, 3 मान लो 50 डिग्रीज है, ठीक है, 350 डिग्री आ गया मेरे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब देखो इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है, मान लो ये L है, ये M है, L लाइन के ऊपर ये 50 है, तो ये कितना होगा, सोचो, ये है लीनियर पेयर, एक लाइन बन रही है,
इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, एंगल 3 प्लस एंगल 2 कितना होना चाहिए, 180 डिग्री. रीजन, लीनियर पेयर. ठीक है, तो एंगल 3 इज 50 डिग्री, प्लस करोगे एंगल 2 180 डिग्री, फिर 180 में से 50 माइनस करो तो एंगल 2 आएगा आपका 130 डिग्री. तो ये आ गया 130 डिग्री, राइट. तो ये 130 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी ये फोर्थ भी 130 डिग्री होगा. ठीक है, तो ये दोनों 130, ये 130, ये 50, ये 50. अब इधर आ जाओ, ये वाले एंगल्स कैसे निकालोगे. तो ये अगर 50 है, वन अगर एंगल 50 है, तो इसी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी एंगल 8, ये एंगल छोड़ दो, ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी 50 डिग्रीज होगा. ठीक है, इसका रीज़न क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. अब ये 50 है तो ये 50 होगा. क्यों होगा, आपको बस रीजंस लिखने हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब ये 50 है तो ये वाला कितना होगा, 180 में से माइनस करो 130 डिग्रीज. ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो कि ये 130 है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो 130 डिग्रीज. ठीक है, चार प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, चार रूल्स पढ़े हैं, दोनों चारों में से कोई भी कैसे भी अप्लाई करो, डजेंट मैटर, आंसर हमेशा सेम ही आएगा. अब ये 130 आ गया तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 130 डिग्रीज होगा. ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी एंगल इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो. कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत लगे तो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो. कोई भी प्रॉपर्टी समझ नहीं आ रही, मैं आपको फिर से समझाऊंगी. आई होप समझ आ गया होगा. एक और चीज़